से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के फील्ड में कमी होने के कारण शासन स्तर पर फैसला लिया गया है कि शहर में जवानों को लगाया जाएगा। प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सके लिया जाए, इसके लिए जो है अब जो पुलिसकर्मी यानी जो जवान है उनको जो है अब तैनात किया जाएगा। क्या आखिर कितने जवान हैं जो तैनात किए जाएंगे, सिविल पुलिस के कितने हैं होमगार्ड कितने रहेंगे, मेरे साथ को डीडी जिला अनर प्रशांत कुमार साहब मौजूद, हम बात करेंगे। सर, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, आगे क्या रणनीति है? ट्रैफिक एक ऐसी समस्या है जिससे आम जनता को काफ़ी, अगर सुचारू चल रही है तो आम जनता को काफ़ी सहूलियत होती है, और इसके लिए ही शासन की शीर्ष प्राथमिकता पर ट्रैफिक में सुधार लाना शामिल है। इसके लिए जैसे रोड इत्यादि सही करना, वहाँ पार्किंग की विशेष सुविधाएं देना, अवैध टैक्सी स्टैंड इत्यादि हटाना, तो मूल चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को एनफोर्स करने के लिए ट्रैफिक कर्मियों की काफ़ी कमी महसूस की जा रही थी, और जो हमारा उपलब्ध संसाधन जनशक्ति काफ़ी कम थी, जिसके बारे में लगातार हमारे फील्ड के अधिकारियों की तरफ से डिमांड आ रही थी, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि कुछ होमगार्ड्स भी दिए जाएंगे तथा हमारे यहाँ से भी कुछ जनशक्ति दी जाएगी। इनको पूरी ट्रैफिक की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद से इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक फिगर है क्या सर, कितने जवान लगाए जाएंगे? नहीं, उसमें अभी जो डिसाइड हुआ है, जो एक्स्ट्रा दिए जाने हैं वो 10,000 होमगार्ड और 10,000 ही के करीब हम लोग कॉन्स्टेबल देंगे, और ये चीज़ें बहुत ही डायनेमिक रहती है, क्योंकि हमारे पास अब कोई जनशक्ति की कमी नहीं है। आपको पता है कि 1.5 लाख से अधिक भर्तियां हमारे यहाँ हुई हैं, और काफ़ी यंग कंपोनेंट हमारे पास है। हमारी PSC की जो बटालियन निष्क्रिय हो गई थी कंपनियां, वो भी सक्रिय कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन मुन्ना साथ, अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं।